ये वीडियो बनाने के बाद मेरी कमाई बंद हो जाएगी। बहुत ही मेजर अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्टर्स के लिए। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी पोर्ट से, इंडिया के किसी भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। अब तक आप लोगों को पता था, अगर जब भी आप एक्सपोर्ट करते थे तो आप लोगों को एक टर्म बहुत ज़्यादा आप सुनने को मिलता था, एडी कोड, ऑथोराइज डीलर कोड, जो कि बैंक की तरफ से आप लोगों को मिलता था। तो एक एक करके क्वेश्चन को कवर करते हैं। एडी कोड क्या होता है? देखिए, एडी कोड एक 14 डिजिट का नंबर होता है जो कि बैंक से आपको मिलता है। उस 14 डिजिट का फर्स्ट 7 डिजिट जो है वो एडी कोड की तरह यूज़ होता है और आपके शिपिंग बिल और आपकी सारी जगह में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। सेकेंडली, एडी कोड आपको मिलता कैसा है? देखिए, जिस भी बैंक आपका करंट अकाउंट है और आफ्टर गेटिंग द आईसी आप चाहते हैं कि आपकी जो एक्सपोर्ट पेमेंट है वो उस पर्टिकुलर बैंक के करंट अकाउंट में आए, तो उस पर्टिकुलर बैंक में जाके आप लोगों को एडी कोड देना होता था। बैंक जो है अपने लेटर हेड पे एक सेट फॉर्मेट होता है उन लोगों का, उस फॉर्मेट में एडी कोड को मेंशन कर देता था और साथ साथ बताता था कि ये जो बंदा है हमारे बैंक में अकाउंट है, इसका करंट अकाउंट है और जो थोड़ी बहुत डिटेल्स है, बैंक अकाउंट डिटेल और आईएफएससी कोड वगैरह, ये सारी चीजें हैं और ये एडी कोड है। उस एडी कोड को आप लोगों को जो है कस्टम्स में फीड कराना होता है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है कि अगर आप किसी छोटे से स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी टायर टू टायर थ्री सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कई सारे ब्रांच में एडी कोड आप लोगों को नहीं मिलता है। तो उस केस में डरने वाली बात कोई नहीं होती। आपका जो भी मेन ब्रांच है, आप उस मेन ब्रांच से जाके एडी कोड ले सकते हैं और उस एडी कोड को यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट्स के। तो एडी कोड क्या होता है, कैसे मिलता है और किस तरीके से लेना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। किस किस को एडी कोड की ज़रूरत पड़ने वाली है? देखिए, जब भी आप बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो आपको एडी कोड की ज़रूरत पड़ने वाली है, फिर चाहे आप सीएसबी फाइल करें या कमर्शियल एक्सपोर्ट्स करें। अब दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जब भी आप कुरियर के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं तो वो CSB5 कहलाता है। तो CSB5 के अंडर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चाहे इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही केस में आप लोगों को एडी कोड जो है उसको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है आइस गेट में। कमर्शियल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कमर्शियल एक्सपोर्ट्स के केस में आपको रजिस्टर कराने की ज़रूरत है। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरत है एक्सपोर्ट्स के मामले में, बट कमर्शियल इंपोर्ट्स के मामले में एडी कोड को जो है वो अलग से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको बस आपको बिल ऑफ एंट्री में फाइल करना होता है अलग से, उसको कस्टम्स में एक स्टेप अलग से जाके रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब अपडेट की बात करते हैं। देखिए, अपडेट जो है वो ये था कि इससे पहले आप लोगों को पता था, जब भी आप एक्सपोर्ट करते थे जो है, आप लोग जिस जिस पोर्ट से एक्सपोर्ट करते थे उस पोर्ट पे आपको अलग से एडी कोड रजिस्टर कराने की जरूरत पड़ती थी। फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में टोटल 3 पोर्ट है। एक है आपका IGI एयरपोर्ट, यानी एयर की जो सारी शिपमेंट्स है वो IGI एयरपोर्ट से जाती है। उसके बाद 2 ड्राई पोर्ट है। अगर आप लोग दिल्ली में हैं और सपोज आपको दिल्ली में तुगलकाबाद पोर्ट से एक्सपोर्ट कराना है, तो आप लोगों को तुगलकाबाद पोर्ट में एडी कोड को अलग से रजिस्टर कराना पड़ता था। पड़पड़गंज से एक्सपोर्ट करना है तो पड़पड़गंज में अलग से रजिस्टर करना पड़ता था। यानी 3 पोर्ट है, तीनों पोर्ट में अलग से रजिस्टर करना पड़ता था अब तक। बट नए सर्कुलर के अकॉर्डिंग और नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लोगों को जो है किसी भी एक पोर्ट में जहाँ से आप पहली बार एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उस पोर्ट में आपको एडी कोड रजिस्टर करना है, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। बहुत ही आसान है, जो सारा प्रोसेस है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके ऊपर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे बने हुए हैं, तो जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को किसी भी एक पोर्ट में कराने की जरूरत है एडी कोड को रजिस्टर। सपोज आप IGI से एक्सपोर्ट कर रहे हैं पहला एक्सपोर्ट, तो उस केस में आप लोगों ने IGI पे अपना एडी कोड रजिस्टर करा दिया और उसके बाद जब आपकी शिपमेंट बड़ी हो गई, यानी आपको बड़ा ऑर्डर मिलने लगा, तो आप उसको इंडिया के किसी भी पोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अलग से उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, यानी ऑनलाइन जाके भी अलग से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक पोर्ट पे एक्सपोर्ट कराया, वो सारे पोर्ट पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब इसके साथ साथ मैं एक दो चीज़ें और ऐड कर दूं कि आप लोग बोलेंगे कि मेरे को 2-3 एडी कोड रजिस्टर कराना है, तो बिल्कुल हाँ, आप 2-3 एडी कोड भी रजिस्टर करा सकते हैं अलग अलग बैंक के सेम पोर्ट पे या मल्टीपल पोर्ट्स पे। आप बाद में जाके अपने एडी कोड को अमेंड भी कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन है, उसके लिए आपको अपनी DSC या डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो अपडेट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इन्हें नटशेल मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे पहले क्या होता था, इंडिया में जितने पोर्ट हैं अगर उसमें से किसी भी पोर्ट से आपको एक्सपोर्ट कराना है, जैसे कि आपको दिल्ली से कराना है तो दिल्ली में आपको एडी कोड रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर मुंबई से करना है तो मुंबई में भी अलग से एडी कोड रजिस्टर करना पड़ेगा। बट अब क्या है कि आपने अगर मुंबई में एडी कोड करा दिया, तो आप दिल्ली, मुंबई, गुजरात कहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते। एक बार एडी कोड रजिस्टर कराना है, उसके बाद इंडिया के जितने पोर्ट्स हैं उन सारे पोर्ट्स पे वो एडी कोड रिफ्लेक्ट करेगा और आप उन सब जगहों से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोग जो नया अपडेट था वो भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अब तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस चैनल पर इस तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कस्टम क्लियरेंस रिलेटेड अपडेट्स और आइडियाज लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।